हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले एक न्यूमेरिकल जो कि बेस्ड है आपका रिलेटिव वेलोसिटी मेथड के ऊपर। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, प्रीवियस ईयर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं। द क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड ऑफ ए थ्योरेटिकल स्टीम इंजन आर 0.5 मीटर एंड 2 मीटर लॉन्ग रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर हमें क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड की डायमेंशन गिवन है, तो ये मत सोचना कि आपका वेलोसिटी मेथड जब आप सॉल्व करते हो तो जनरली आप इससे पहले जो न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किया था, हमने 4 बार चेन मैकेनिज्म बनाया था। यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें क्लियरली मेंशन है क्रैंक, कनेक्टिंग रॉड, स्टीम इंजन, ये टर्म्स हमें मेंशन है यहाँ पर। तो मैं एक रफ एक डायग्राम बनाती हूँ, उसकी हेल्प से हम बनाएंगे कॉन्फिगरेशन डायग्राम और उसकी हेल्प से हम बनाएंगे वेलोसिटी डायग्राम, जिससे कि हमारी वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी की। क्लियर? तो सबसे पहले मैं एक रफ डायग्राम बना लेती हूँ कि मैं इस तरीके से एक लाइन बना लेती हूँ सबसे पहले। क्लियर? एक रफ डायग्राम है ये। मैंने मान लिया कि यहाँ पर मेरा क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है। अभी इनके डायमेंशन हम कुछ भी ड्रॉ नहीं कर रहे, किसी की भी डायमेंशन ड्रॉ नहीं कर रहे। ये हमारी गजन पिन होती है यहाँ पर, ये हमारी कनेक्टिंग रॉड होती है और ये हमारी क्रैंक होती है। यहाँ पर बियरिंग लगी होती है, ये फिक्स होता है। क्लियर? ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। हमें डायमेंशन किसकी किसकी गिवन है, हमें डायमेंशन गिवन है आपकी क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड की। क्रैंक को बोल दिया यहाँ पर पॉइंट, बोल दिया इसको ओ, इसको आपने बोल दिया पॉइंट बी, इसको आपने बोल दिया पॉइंट पी, कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने ये नाम दे दिया है। हमें ओ बी गिवन है और हमें पी बी गिवन है। तो मैं यहाँ पर गिवन डेटा को सबसे पहले लिख देती हूँ। ओ बी मुझे कितना दे रखा है, ओ बी मुझे दे रखा है यहाँ पर 0.5 मीटर। क्लियर? एंड मुझे पी भी दे रखा है 2 मीटर। यही डायमेंशंस मुझे गिवन है। अब नेक्स्ट देखो, द क्रैंक मेक्स 180 आरपीएम इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो ये क्रैंक है मेरी ओ बी, इसका हमें आरपीएम गिवन है। एन आरपीएम को शो करता है, किसका दे रखा है, ओ बी का दे रखा है। कितना दे रखा है, 180 आरपीएम। क्लियर? डायरेक्शंस क्या गिवन है इसकी, डायरेक्शन गिवन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से एक एरो बना रही हूँ, जिससे कि शो हो रहा है कि जो क्रैंक ओ बी है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। अब हमें नेक्स्ट क्या दे रखा है, व्हेन इट हैज़ टर्न्ड 45 डिग्री फ्रॉम द इनर डेड सेंटर पोजिशन। इसने 45 डिग्री एंगल टर्न किया है क्रैंक ने, कहाँ से, इनर डेड पोजिशन से। मतलब कि ये जो क्रैंक है, जो ओ बी है, वो इस तरीके से घूमेगी, इस तरीके से पूरा सर्कुलर मोशन में सर्कल पूरा बनाएगी इस तरीके से। तो कभी ये घूमते 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 कभी यहाँ पर आएगी, ये बी पॉइंट यहाँ पर आएगा। तो ये बी पॉइंट यहाँ आएगा, मतलब कि जो पिस्टन होगा वो आपका एक्सट्रीमली लेफ्ट पोजिशन में होगा उस टाइम पर। तो इस पर्टिकुलर पोजिशन को बोलते हैं इनर डेड सेंटर। क्या बोलते हैं इसको, IDC। क्लियर? इस तरीके से जब क्रैंक यहाँ से इस तरह से घूम रही है वो यहाँ पर आएगी, तो उसको क्या बोलेंगे, जैसे कि ये इस तरीके से घूम रही यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पर कट कर यहाँ पे मान लो, तो इसको बोलेंगे आउटर डेड सेंटर। तो ये क्रैंक क्या है, इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। क्लियर? समझ में आ रही है बात? तो IDC इनर डेड सेंटर से आपको दे रखा है 45 डिग्री का एंगल, मतलब कि आपको ये वाला एंगल गिवन है और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, 45 डिग्री। तो मैंने यही डायग्राम में इसको शो कर दिया। अब हमसे पूछा क्या क्या गया है, डिटरमाइन, फर्स्ट पॉइंट हमें पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ पिस्टन। क्या पूछा गया है, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, मतलब कि इसकी हमें वेलोसिटी पूछी गई है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जो हमसे पूछा गया है, हमसे VP पूछा गया है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट ये पूछा है। सेकंड हमसे क्या पूछा गया है, सेकंड हमसे पूछा गया है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड। जो ये कनेक्टिंग रॉड है PB, इसकी हमें एंगुलर वेलोसिटी पूछी गई है। एंगुलर वेलोसिटी मीन्स ओमेगा, किसकी पूछी गई है। PB लिख दो या BP लिख दो, एक ही बात है। मैं यहाँ पर PB लिख देती हूँ, कुछ भी लिख दो, एक ही बात है। ये हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है थर्ड पॉइंट में वेलोसिटी ऑफ पॉइंट E ऑन द कनेक्टिंग रॉड। बोला गया है कि ये जो PB कनेक्टिंग रॉड है ना, इस पर कोई पॉइंट E है, उसकी वेलोसिटी निकालनी है। अब वो पॉइंट E कहाँ पर है, उसकी पोजिशन भी हमें गिवन है, 1.5 मीटर फ्रॉम द गजन पिन। मतलब कि यहाँ पर गजन पिन लगी होती है जहाँ पर कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट करती है यहाँ पर, तो यहाँ से 1.5 मीटर। ये कंप्लीट कनेक्टिंग रॉड कितने की है, 2 मीटर की है, तो 1.5 मीटर यहाँ से लेना है। मतलब कि कुछ यहाँ कहीं पर इसका पॉइंट ई होगा, समझ पा रहे हो। मतलब ये 3 हिस्सा हो गया और ये 1 हिस्सा हो गया, यही दे रखा है ना, 2 मीटर टोटल है और 1.5 मीटर पे आपको पूछा गया है। तो मैंने पॉइंट ई मान लिया कहीं यहाँ पर है, तो इस पॉइंट ई की वेलोसिटी मुझसे पूछी गई है कि फाइंड करो। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ
वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई मुझे फाइंड आउट करना है। पोजीशन मुझे दे रखी है 1.5 मीटर फ्रॉम द कनेक्टिंग रोड, आप यहाँ पर लिख भी सकते हो ब्रैकेट में 1.5 मीटर फ्रॉम कनेक्टिंग रोड। क्लियर, इस तरीके से आपने शो कर दिया, और यहाँ पर भी चाहो तो आप शो कर दो 1.5 मीटर। क्लियर। अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में हमसे क्या पूछा गया है, वेलोसिटीज ऑफ रबिंग एट द पिंस ऑफ क्रैंकशाफ्ट क्रैंक एंड क्रॉस हेड। आपको रबिंग वेलोसिटीज पूछी गई है, क्रैंकशाफ्ट पे यहाँ पर एक पिन लगी होती है, क्रैंक पे यहाँ पे एक पिन लगी होती है, और एक क्रॉस हेड पे यहाँ पे एक पिन लगी होती है, तो उन पिंस की आपको रबिंग वेलोसिटी पूछी गई है, तो वो भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। फोर्थ पॉइंट, रबिंग वेलोसिटीज कहाँ कहाँ की पूछी गई है, क्रैंकशाफ्ट क्रैंक एंड क्रॉस हेड, इन तीनों की हमसे पूछी गई है। अब हमको साथ में क्या दे रखा है, व्हेन द डायमीटर्स ऑफ दियर पिंस आर 50 mm, 60 mm एंड 30 mm रेस्पेक्टिवली। मतलब कि जो इसका जो हमें डायमीटर दे रखा है वो हमें दे रखा है 50 mm, इसका हमें दे रखा है 60 mm, और इसका हमें दे रखा है 30 mm। सब कुछ किस में, mm में है, ये शॉर्ट में मैंने लिख लिया है ताकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें बार बार न्यूमेरिकल को रीड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने कंप्लीट डेटा को क्या कर दिया, यहाँ पर अभी लिख लिया है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये डायग्राम हमने अपने कन्वीनियंस के लिए बनाया था, इस डायग्राम की हेल्प से हम इजीली जो डायमेंशन है प्रॉपर स्केल आपका प्रोटेक्टर हम सब कुछ यूज़ करके कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बना लेते हैं। के लिए समझने के लिए मैं पेन से बना रही हूँ, एग्ज़ाम में मैं प्रेफर करूँगी कि आप लोग वहाँ पर पेंसिल ही यूज़ करो, ताकि आपका डायग्राम क्या होगा अच्छे से बनेगा, कोई गलती हो जाए तो आप उसको वहाँ पर इरेज कर सकते हो। तो जस्ट मैं क्या करूँगी, एक डायग्राम बनाऊँगी। अब मुझे क्या करना है, ओ बी 0.5 मीटर शो करना है, मतलब कि कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊँ, उस पर पॉइंट ओ बनाऊँ, सबसे पहले यही काम करना है। अब यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट ओ ले लिया है, ये मैंने क्या ले लिया, कोई पॉइंट ओ ले लिया है। इस पॉइंट ओ से मुझे क्या करना है, क्रैंक बनानी है। ओ बी एंगल क्या है इस पर्टिकुलर लाइन से, 45 डिग्री। तो मुझे क्या करना है, अपना डी या प्रोटेक्टर जिसको बोलते हैं इसको यूज़ करो, इस पर्टिकुलर पॉइंट को पॉइंट ओ से कॉन्साइड करो, एकदम कॉन्साइड करना, थोड़ा सा भी हिला दिया आपने इसको तो क्या होगा, आपका एंगल गलत आएगा, एंगल गलत आएगा तो फिर आपके सब कुछ आगे गलत गलत होता जाएगा। तो 45 डिग्री पे मैंने एक पॉइंट मार्क किया है। अब विद द हेल्प ऑफ स्केल मैं क्या करूँगी, इसको मेजरमेंट करूँगी, मुझे कितना बनाना है, 2 सेंटीमीटर बनाना है। क्यों बनाना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं आपको स्केल बताना भूल गई। चलो पहले मैं 2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। अब देखो ओ बी हमें क्या दे रखा है, 0.5 मीटर दे रखा है, लेकिन 0.5 मीटर को अगर मैं इस पेपर पे बनाने जाऊँगी तो मीटर तो मेरा बहुत बड़ा होता है, इस पेपर पे नहीं आएगा। तो मैंने एक सूटेबल स्केल मान लिया है कि 0.5 मीटर को मैंने मान लिया है 2 सेंटीमीटर, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की लाइन बनाई है। अगर मैं उसको एज्यूम कर लूँ 4 सेंटीमीटर, तो मैं 4 सेंटीमीटर की लाइन बनाऊँगी। तो जो आप एज्यूम करो, आप जिस पेपर पे जिस आंसर शीट पे काम कर रहे हो उस पे जितना स्पेस है उसको ध्यान रखकर आप डेटा को एज्यूम करना। मैं प्रेफर करूँगी, मैं सजेस्ट करूँगी कि जो आपका कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम है और जो आप वेलोसिटी डायग्राम अब बनाओगे वो सब एक ही पेज पे बने, तो क्या होगा, एग्जामिनर को देखने में इजी रहेगा, समझने में इजी रहेगा, उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपका पेज पलट पलट के चेक करे। क्लियर, लॉस आपका ही होगा, इसीलिए एक ही पेपर पे बनाना। तो समझ में आ गया, जो स्केल मैंने यहाँ पर लिए वो मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ ताकि हमें याद रहेगा कि हमने कौन सी स्केल लिए। मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ स्केल जो मैंने यहाँ पर लिए 0.5 मीटर को मैंने लिया है 2 सेंटीमीटर। क्लियर, ये मैंने यहाँ पर स्केल यूज़ करी है। अब मेरे पास में क्या आ गया, पॉइंट बी आ गया, ये वाला पॉइंट बी आ गया इस स्केल के थ्रू, मैं यहाँ पर पॉइंट बी लिख देती हूँ। अब पॉइंट बी से मुझे यहाँ पर पॉइंट पी चाहिए, तो ये कितना दे रखा है, मुझे दे रखा है ये 2 मीटर। अब 2 मीटर को इस स्केल के थ्रू अगर मैं देखूँ तो 0.5 मीटर अगर 2 सेंटीमीटर के बराबर है तो 2 मीटर किसके बराबर होगा, 8 सेंटीमीटर के बराबर, 4 टाइम्स हो गया डेटा। तो मैं यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट बी पे कंपास रखूँगी और उस कंपास में सबसे पहले स्केल की हेल्प से 8 सेंटीमीटर में काउंट कर लेती हूँ। ये देखो कंपास से मैंने 8 सेंटीमीटर काउंट ऑलरेडी करके रखा है यहाँ पर मेज़र। अब मैं
पॉइंट बी पर एग्जैक्ट मैं यहाँ पर अपना कंपास रखूँगी। देखो मैंने यहाँ पर रखा है। अब मैं क्या करूँगी, एक आर्क लगाऊँगी इस तरीके से। अब ये लाइन थोड़ी सी छोटी थी तो मैं इस पेन से जो लाइन खींची थी मैंने ये वाली, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देती हूँ। आ रही बात समझ में? तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इस आर्क और इस लाइन पे, तो ये मुझे क्या देगा, पॉइंट पी मुझे देगा। तो मुझे ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पी को अब बी से मिला देना है। तो मैं यही स्केल अपना लूँगी और जितना एक्यूरेसी से मिला पाऊँ उतना एक्यूरेसी से मिलाना। थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है तो फिर आगे जब आंसर्स आएंगे वो थोड़े से इधर उधर ही आएंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि ग्राफिकल मेथड होता है आपका ये, तो आपके फ्रेंड का, आपका, आपके दूसरे और फ्रेंड्स का कुछ कुछ डिफरेंट हो सकता है, तो वो गलत नहीं है, वो सब सही है। मेथड सही रखना, प्रोसीजर सही रखना, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमने ये डायग्राम बना लिया है। ये कितना एंगल है हमारा, ये एंगल है हमारा 45 डिग्री। क्रैंक कहाँ घूम रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। ये इतना हमें इस डायग्राम से समझ में आ गया था, हमने बनाया था अभी। अब हम क्या करेंगे इस डायग्राम के थ्रू, अब हम एक और डायग्राम बनाएंगे जो बोलेंगे उसको वेलोसिटी डायग्राम। ये क्या है हमारा, कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम, क्लियर। अब यहाँ की हेल्प से हम वेलोसिटी डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले मेरे को बनाने के लिए कुछ ना कुछ एक रेफरेंस में कुछ तो हो कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, मैं क्या वेलोसिटी यहाँ पे ड्रॉ करूँ। तो देखो ये आपका ओ भी क्या है, क्रैंक है, और क्रैंक क्या करती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, मतलब कि इस तरीके से वो घूम रही है। तो अगर कोई बंदा पॉइंट ओ पे खड़ा है और वो इसको क्रैंक को देखे तो उसके लिए क्या है, सिर्फ रोटेशन ही एक मोशन हो रहा है और कोई मोशन यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो मतलब जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, क्लियर। किसके परपेंडिकुलर, ओ बी के परपेंडिकुलर होगी। तो मैं अपना सेट स्क्वायर यूज़ करती हूँ और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर वेलोसिटी ड्रॉ कर देती हूँ। देखो मैंने यहाँ पर ओ बी पे रखा है अपना सेट स्क्वायर को, क्लियर, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाऊँगी बी से, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, क्लियर। अभी कोई डायमेंशन नहीं है इसकी, जस्ट ये एरो बनाना मत भूलना इधर। ये एरो मैंने इधर ही क्यों बनाया है, क्योंकि जो मेरी क्रैंक है वो क्लॉकवाइज घूम रही है, तो ये एरो भी क्या होगा, इधर होगा। अगर क्रैंक जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती तो मैं इस लाइन को इधर बना के एरो को इधर लगाती, क्लियर, समझ में आ रही है बात। अब जो मेरे पास में ये आ गया है, मैं इसको फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकती हूँ। ये क्या है, मेरी वेलोसिटी बी ओ, मतलब बी की वेलोसिटी ओ बी की विथ रेस्पेक्ट टू ओ। ओ मेरा क्या है, फिक्स पॉइंट है, जो कि फिक्स को हम क्या करते हैं किसी एक पर्टिकुलर जीरो वेक्टर या पॉइंट वेक्टर से शो करते हैं, दैट इज़ ओ। तो इसको मैंने शो किया है, ये फिक्स है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, जस्ट वी बी आप इसको लिख सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, यहाँ पर वी बी निकालूंगी। आ रही बात समझ में? और वी बी कैसे निकाल सकते हैं हम, ओमेगा इंटू आर से हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी को। तो मैं वही काम यहाँ पर करने वाली हूँ। देखो मैंने एक पेन ले लिया, हाँ, अब देखो मैं क्या निकाल रही हूँ, वी बी निकाल रही हूँ, डेट इज़ ओमेगा। ओमेगा कौन सा, इस क्रैंक का, जिसको मैंने शो किया था ओ बी से, इंटू आर। आर मतलब कि डिस्टेंस, ये ओ बी डिस्टेंस यहाँ पर आएगी, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ओ बी। तो ओमेगा मैंने निकाला नहीं है, पर हमें एन दे रखा है आर पी एम, तो मैं डायरेक्ट ओमेगा यहाँ से निकाल सकती हूँ। या तो पहले ही निकाल के रख लो तो डायरेक्ट वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लो, या फिर अभी यहाँ पर निकाल लो। तो मैं एक बार साइड में निकाल लेती हूँ आपका ओमेगा, यहाँ पर निकाल लेती हूँ। ओमेगा क्या हो जाएगा, 2 पाई, एन कितना है मेरा, 180 अपॉन 60, क्लियर। 2 पाई एन अपॉन 60, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी अप्रॉक्स 18.84। यूनिट मेंशन करना मत भूलना, रेडियन पर सेकंड। तो ये 18.84 आया है, इसको डायरेक्ट आप यहाँ पे पुट कर दो, 18.84 डिस्टेंस ओ बी। ओ बी कितना हमें दे रखा है, 0.5 मीटर। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, 0.5 मीटर ही लिखना है। आप ये जो स्केल लिया है आपने, वो स्केल के अकॉर्डिंग 2 सेंटीमीटर मत कर देना। कुछ कुछ बच्चे एग्ज़ाम में ये मिस्टेक कर देते हैं और फिर सारा कबाड़ा हो जाता है, क्लियर। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड में निकलेगी, तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, 0.5 मीटर में ही रखना है डेटा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे कुछ डेटा आएगा, आएगा अप्रॉक्स 9.42, एंड यूनिट होगी उसकी मीटर पर सेकंड, क्लियर। अब ये जो निकली वेलोसिटी वी बी, वो क्या है, इस ओ बी के परपेंडिकुलर में है। तो आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो परपेंडिकुलर टू ओ बी, ताकि एग्जामिनर को भी अच्छा लगे और आपको पता रहे कि आपने वेलोसिटी इस पर के इस लाइन के ओ बी के परपेंडिकुलर में निकाली है, जो कि आपको पता है लेकिन आप लिखना हो आप एग्ज़ाम में, क्लियर।
आपने ये बना दिया तो वी भी आपके पास में आ गया। तो आप वेलोसिटी डायग्राम जो बनाओगे स्टार्टिंग कर सकते हो, क्योंकि आपके पास में एक वेलोसिटी आ गई है। अब एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी हम फाइंड आउट करते जाएंगे। तो अब नोट करो, यहाँ पर हमें स्केल वापस से यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 9.42 मीटर पर सेकंड में है और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में हम पेपर पर कैसे सॉल्व करेंगे, हम किस तरीके से शो करें, हमें कुछ सेंटीमीटर में डेटा एज्यूम करना पड़ेगा और फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं सेंटीमीटर में यहाँ पर डेटा एज्यूम कर लेती हूँ। मैं मान लेती हूँ कि 2 मीटर पर सेकंड को मैंने 1 सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है। तो लेट स्केल सबसे पहले यूज़ करना है। लेट स्केल क्या यूज़ करेंगे हम, फिर से स्केल यूज़ करें, कन्फ्यूज मत होना। ये मीटर पर सेकंड के लिए है और वो मीटर के लिए स्केल थी, दो स्केल यूज़ करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने मान लिया 2 मीटर पर सेकंड को मैंने क्या मान लिया, 1 सेंटीमीटर। तो इस अकॉर्डिंग 1 मीटर पर सेकंड किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 सेंटीमीटर। क्लियर? तो मुझे कितना चाहिए, 9.42 चाहिए। तो 9.42 मीटर पर सेकंड किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई में 9.42, 1/2 मल्टीप्लाई में 9.42। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास में आएगा 4.71 सेंटीमीटर, 4.71 सेंटीमीटर। ये मैंने क्या निकाला है, डायमेंशन निकाली किसकी, वी बी की। जो मेरी वेलोसिटी है जो कि मीटर पर सेकंड में थी, उसको मैंने ये स्केल एज्यूम करके निकाल लिया है 4.71 सेंटीमीटर। क्लियर? तो अब मुझे क्या बनाना है, वेलोसिटी डायग्राम बनाना है। मैं अगेन पेन यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ आप पेंसिल वहाँ पे यूज़ करना। अब हम इससे वेलोसिटी डायग्राम बनाएंगे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट इस पॉइंट को जो हमारा फिक्स पॉइंट है जिसको हमने जीरो वेक्टर बोला है, उसको मुझे कहीं पे एज्यूम करना है। तो मैंने मान लिया कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, ये मैंने मान लिया, स्मॉल ओ से शो किया है। वेलोसिटी डायग्राम में हम क्या शो करते हैं, स्मॉल ABCD स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हम लेकर चलते हैं। क्लियर? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर ओ पॉइंट से कितना, 4.71 सेंटीमीटर इस लाइन के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हमारे सेट स्क्वायर यूज़ करेंगे। देखो अब ये लाइन है, जस्ट मैंने इस पे रखा है, देखो यहाँ पे कॉन्साइड कर रही है प्रॉपर, यहाँ पे रखा है, इस तरीके से भी रख लो। क्लियर? अब जस्ट इसको इस तरीके से रखा, मुझे कहाँ तक लेके आना है, पॉइंट ओ तक लेकर आना है। क्लियर? पॉइंट ओ तक लेकर आना है। आप इसको यहाँ तक रख लो ऐसे, अब देखो इसको हटाया, इसको वापस कुछ इस तरीके से मान लो, इसको थोड़ा फिर से एक्सटेंड कर लिया। अब पॉइंट ओ तक लाना है, पॉइंट ओ तक मैं आ गई हूँ कुछ भी करके। अब मुझे क्या करना है, पॉइंट ओ से इस डायरेक्शन में एक लाइन बनानी है 4.71। तो मतलब कि ये देखो 90 डिग्री अभी तक मेंटेन है मेरा, गया नहीं कहीं पर। अब यहाँ से मुझे क्या बनाना है, 4.71 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसको अच्छे से पकड़ के रखना, थोड़ा सा भी इधर उधर हिला तो आपका सारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 4.7 यहाँ पर है, 1, 2, 3, 4, 4.5, और इससे आगे दो लाइन ले ली मैंने जो कि शो कर रहा है 4.7 को। क्लियर? अब थोड़ा बहुत 1 mm का डिफरेंस किसी का भी हो सकता है और आंसर थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको क्या बोलोगे, स्मॉल बी, ये जो पॉइंट आया है वो क्या आया है आपके पास में, स्मॉल बी पॉइंट आया है, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ ओ बी, मतलब कि वी बी की वेलोसिटी जो आपने यहाँ पर शो करी है, वही आपका यहाँ पर वेलोसिटी डायग्राम में आपने इस बी पॉइंट से शो किया है। क्लियर? अब देखो पी बी, अब बी पे खड़े हो गए, अगर आप इस कनेक्टिंग रोड को देख रहे हो तो ये क्या करेगा, सिर्फ टर्न कर सकती है और कोई मोशन नहीं है। मतलब कि इस पर्टिकुलर लाइन के परपेंडिकुलर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी ऑलरेडी, तो ये लाइन क्या करेगी, शो करेगी वेलोसिटी को। ठीक है, आपको क्या करना है, सेट स्क्वायर लेना है, हाँ, और इसको इस तरीके से रखना है और एक 90 डिग्री पे एक लाइन बना देनी है। आप यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, आपकी मर्जी है, कहाँ पर भी बनाओ, लेकिन इसी पी वी पर बनाना और 90 डिग्री बनाना। क्लियर? अब मुझे इस लाइन को इस पर्टिकुलर बी पॉइंट पर लेकर आना है, पैरेलल लाइन होनी चाहिए एकदम, इसके जस्ट पैरेलल लाइन में यहाँ पर एक ड्रॉ करूँगी। अब मुझे डायरेक्शन कुछ नहीं पता है, तो मैं इस बी के ऊपर भी ड्रॉ कर दूँगी और नीचे की तरफ भी ड्रॉ कर दूँगी। क्लियर? तो मैंने जस्ट इसको यहाँ पे रखा 90 डिग्री। क्लियर? सेट स्क्वायर चलाने की एक बार प्रैक्टिस कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 90 डिग्री जब भी बनाना है आपको, तो आप सेट स्क्वायर यूज़ करोगे। ये देखो मैंने एकदम एग्जैक्ट मैच किया है।
अब मैं इसको यहाँ तक लेके आ गई, तो देखो बी पे एक नई लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ मैं, जो कि पैरेलल होगी जस्ट इस लाइन के। तो मैं यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देती हूँ, मुझे पता नहीं कि ऊपर है कि नीचे, तो मैंने दोनों तरफ ड्रॉ कर दिया है। ज़रूरत पड़ेगी तो इसको एक्सटेंड कर सकते हो, इसको भी एक्सटेंड कर सकते हो, एक बार के लिए हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब देखो ये मैंने काम कर दिया है। अब जो पी पर क्या है, पिस्टन है, पिस्टन क्या करता है, या तो इधर स्लाइड करेगा या इधर स्लाइड करेगा, और कोई मोशन नहीं कर सकता। तो जो इसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इस लाइन के पैरेलल में एक लाइन बनेगी, वहाँ पर उसकी वेलोसिटी होगी। क्लियर? ये तो क्या कर रहे थे, रोटेट कर रहे थे, टर्न कर रहे थे, तो हमने क्या किया, परपेंडिकुलर उसकी वेलोसिटी को शो किया है। लेकिन ये क्या कर रहा है, सिर्फ स्लाइड कर सकता है, रेसिप्रोकेट कर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इसकी वेलोसिटी हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन बना के कवाड़ा मत करना, इसके जस्ट पैरेलल में होगी। क्लियर? तो जो ये पी ओ लाइन है, इसके जस्ट पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करनी मुझे यहाँ पर ओ के थ्रू, ठीक है, ओ से। तो मैं जस्ट ये लाइन को एक्सटेंड करके पैरेलल लेकर आऊँगी और ड्रॉ करूँगी। लाइन शुड बी पैरेलल, अगर आपने लाइन को पैरेलल नहीं रखा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, कैसे भी यूज़ करो, आपकी चॉइस है। मैं जस्ट इसको यहाँ लेकर आई हूँ, फिर इसको थोड़ा नीचे लेके जाओ, फिर इसको यहाँ लेके जाओ, ओ तक लेके चले जाओ। क्लियर? तो ये लाइन क्या होगी, एग्जैक्ट पैरेलल लाइन बनेगी। ये बना दिया मैंने। अब ये बनाने के बाद मैं इसको नाम दे दूँगी, कौन सा, पी। पी कौन सा वाला, स्मॉल पी। क्लियर? अब हमारे पास में सारे पॉइंट्स आ गए हैं। अब मैं इसको प्रॉपर, जो मैंने वी बी शो किया था, तो मैं यहाँ पर एरो बना के शो कर देती हूँ, वी बी। एरो इधर है, मतलब कि बी की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ओ है, हमने यही यहाँ पे बात करी थी। क्लियर? अब मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ उसको इधर, इसको शो करेंगे वी पी ओ लिख सकते हैं, मतलब कि पी की रेस्पेक्ट, पी की वेलोसिटी ओ के रेस्पेक्ट में, ओ क्या है आपका, फिक्स है, तो आप इसको इस तरीके से वी पी लिख सकते हो। क्लियर? अब इसको अगर आप एरो को ऐसे बनाओगे तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू बी, पी विथ रेस्पेक्ट टू बी। अगर एरो को ऊपर बना दोगे तो जस्ट बी पहले आ जाएगा, पी बाद में चला जाएगा। क्लियर? ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे रीड किया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया, आई होप यहाँ तक सबका क्लियर है। अब इसके आगे हम इसमें सॉल्व करते हैं, हमें क्या क्या निकालना है, हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है वी पी। क्लियर? वी पी हमें निकालना है, मतलब कि वी पी ओ, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं मेजरमेंट करूँ तो मेरे पास में क्या होगा, कुछ ना कुछ डायमेंशन आएगी। डेड डायमेंशन इज़ इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही लिखा है हमने, पूरा यहाँ पर ड्रॉ किया है, तो उसको हमें डी स्केल करना पड़ेगा। जो ये हमने स्केल यूज़ करी है ना, ये वाली स्केल, तो ये हमें वापस से स्केल जो यूज़ करी है, वापस हमें डी स्केल भी करना पड़ेगा। तो देखो किस तरीके से, पहले सबसे पहले हम मेज़रमेंट ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर मेज़रमेंट लिया, स्केल लिया अपना। अब देखो यहाँ पर कितना आया, ये मेरा एग्जैक्ट 4 आ रहा है। क्लियर? 0 से लेके ओ से लेके बी तक में 4 तक कट कर रहा है, मतलब कि 4 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर है आपका 2 मीटर पर सेकंड, तो 4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड, डबल हो रहा है जस्ट। तो मैं यहाँ पर डायमेंशंस लिखते जाऊँगी। तो देखो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ग्राफिकली, क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ पर मेज़रमेंट करके निकाला है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया है। यहाँ पर तो मैंने क्या किया था, फॉर्मूला लगाया था ओमेगा इंटू आर वाला, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है, ग्राफिकली मैंने लिखा है। तो क्या हो जाएगा, वी पी इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, मेज़रमेंट करने के बाद कितना आया मेरे पास में, 4 सेंटीमीटर, जिसको मैं डी स्केल करूँगी, तो 4 मल्टीप्लाई 2 करोगी क्योंकि इस स्केल के थ्रू, तो आपके पास में आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास में क्या आया है, ये आपके पास में आया है फर्स्ट आंसर, जो कि आपसे पूछा गया था। क्लियर? अब नेक्स्ट हमें निकालना है ओमेगा किसका, कनेक्टिंग रॉड का। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, हमें ये वेलोसिटी भी चाहिए, कौन सी वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब मुझे वी बी पी चाहिए, बी पी बोल दो या पी बी बोल दो, एक ही बात है, कन्फ्यूज़ मत होना, बार बार सिर्फ एरो का गेम है यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे ये निकालना है, ये निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इसको मेज़रमेंट करूँगी, यहाँ से देखो स्केल को मैंने यहाँ पर रखा और यहाँ तक लेकर आई, तो मेरे पास में एग्जैक्ट जो आ रहा है 3.3, एग्जैक्ट क्या आ रहा है, 3.3 सेंटीमीटर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये भी ग्राफिकली चल रहा है हमारा काम, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, इधर लिख लेते ताकि समझ में आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कितना आया मेरे पास में, वी पी बी इज़ इक्वल टू 3.3
सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में है तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब कि मीटर पर सेकंड में लाना पड़ेगा। तो जब कन्वर्ट करोगे इसको तो कितना आ जाएगा, डबल जस्ट कर दो तो 6.6 मीटर पर सेकंड। वो क्या आया मेरे पास में, VPB, मतलब ये आया है। तो हमें से पूछा है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी पूछी है, तो इसलिए एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड इज इक्वल टू VPB अपॉन में ये PB डिस्टेंस। अब यहाँ पे ध्यान रखना ये VPB जो क्या है वो तो है 6.6 मीटर पर सेकंड, लेकिन जो ये PB है आप इसको फिर से मेजरमेंट मत करने बैठ जाना, ये PB आपका क्या है जो आपको न्यूमेरिकल में गिवन है, ये वाला, क्लियर। तो आप यहाँ पर डायमेंशंस रखोगे 6.6 अपॉन कितना है 2 मीटर। फिर से यहाँ पर कन्फ्यूज मत होना, 2 मीटर को इस स्केल के अकॉर्डिंग 8 सेंटीमीटर मत कर देना, क्लियर। जो यहाँ पर आएगा वो क्या आएगा, मीटर में ही आएगा। तो यहाँ पर आपने 2 करना है तो कितना वैल्यू आएगी, 3.3 सेंटीमीटर सॉल्व करने के बाद, सॉरी 3.3 रेडियन पर सेकंड। आया बात समझ में, इसको जस्ट डिवाइड किया है, 3.3 रेडियन पर सेकंड आपके पास में आंसर आ गया। अब ये क्या निकल के आया है, ये आपके पास में निकल के आया है सेकंड जो आपसे पूछा गया था ओमेगा कनेक्टिंग रोड का, जो कि आपके पास में इतना आया है, और इसको भी मैंने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया, ये भी आपका एक आंसर है, क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हमसे क्या पूछा गया है थर्ड पॉइंट में, कि आप निकालो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई 1.5 मीटर फ्रॉम कनेक्टिंग रॉड, मतलब कि यहाँ पर आप देखो ये टोटल कितना दे रखा है 2 मीटर, और ये कितना है 1.5 मीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट अगर मैं 4 हिस्से करूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 3 हिस्से, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 1 हिस्सा, 1 पार्ट। तो सेम रेशियो में यहाँ पर भी कट करेगा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, तब मैंने आपको बताया था ये कि किस तरीके से होता है। तो इसका 1/3 ये है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1/3 जो लोगे पॉइंट आएगा वो क्या शो करेगा, आपका पॉइंट ई शो करेगा। तो मैं स्केल लेती हूँ, स्केल से मैंने यहाँ पर मेजरमेंट लिया, ये मेरे पास में कितना आया, अभी मैंने किया था इसको 3.3 निकाला था, है ना, अभी निकाला था मैंने 3.3। तो इस 3.3 को अगर मैं 4 हिस्से करूँ तो कितना आएगा मेरे पास में, मैं कैलकुलेटर ऑन करती हूँ, 3.3 डिवाइडेड बाई 4, तो मेरे पास में आ रहा है 0.825। ये तो ईच हिस्सा हो गया, एक एक हिस्से का अमाउंट हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दूँ मैं 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दूँ मैं 3 से, तो मेरे पास में आएगा 2.475। तो मतलब कि 2.4 से थोड़ा सा ऊपर मैं ले लेती हूँ यहाँ पर कुछ इतना। अब यहाँ पर आप एक पॉइंट शो करो इस लाइन पर, ये देखो ये क्या शो करेगा, आपका ई शो करेगा। अब थोड़ा सा पॉइंट किसी का चुन्नू सा ऊपर हो सकता है, किसी का इतना सा नीचे हो सकता है, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने बस कॉन्सेप्ट पता है, यहाँ पे आप शो कर दो पॉइंट ई, ये क्या है आपका पॉइंट ई। अब हमें ये नहीं दे रखा है कि पॉइंट ई की किसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकाले, सिर्फ हमसे वी ई पूछा है, वी ई बी, वी ई ओ, वी ई कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ वी ई हमसे पूछा है कनेक्टिंग रोड के ऊपर एक पॉइंट है ई, उसकी वेलोसिटी बताओ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम मान लेते हैं कि ये ओ के रेस्पेक्ट में है, तो मतलब इस वेलोसिटी डायग्राम में हम इस पॉइंट ई को इस पॉइंट ओ से ज्वाइन कर देते हैं, कुछ इस तरीके से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। आप डॉटेड लाइन यूज़ कर लेना, क्योंकि मैंने यहाँ पे पेन यूज़ किया है तो पेंसिल यूज़ कर ली, आप सिर्फ पेंसिल यूज़ करोगे वहाँ पे, तो आप बाकी सब सॉलिड रख लेना और इसको क्या करना डॉटेड लाइन से मिला देना, क्लियर। तो ये क्या शो करेगा, आपका वी ई आ गया आपके पास में, कैसे आएगा मेजरमेंट करने के बाद आएगा, अभी तो सिर्फ बताया है मैंने कैसे आ जाएगा। तो स्केल लिया, जस्ट स्केल को यहाँ प्लेस किया ओ पॉइंट पे, और ई पॉइंट तक कितना डिस्टेंस आ रहा है वो आप काउंट कर लो, वो आपके पास में आएगा अप्रॉक्स 4.4 करके कुछ आ रहा है, ठीक है। अब कोई इसको 4.3 रीड करेगा, कोई 4 रीड करेगा, तो समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मेरे पास में आया है वी ई इज इक्वल टू 4. कितना था, मैं खुद ही भूल गई, 4.4 करके कुछ आ रहा है ना, हाँ 4.4। अब ये किस में लिखा है, सेंटीमीटर में लिखा है, तो सेंटीमीटर को फिर से डी स्केल करना, मीटर पर सेकंड में डबल कर दो, तो 4.4 का क्या हो गया 8.8 मीटर पर सेकंड, क्लियर। तो ये भी आपका क्या है, एक आंसर है जो कि आपसे डिमांड किया गया था, ये भी क्या है आपका आंसर है। तो ये आपका आंसर नंबर 1, ये आपका आंसर नंबर 2, ये आपका आंसर नंबर 3,
क्लियर समझ में आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, रबिंग वेलोसिटी पूछी है फोर्थ पॉइंट हमसे, और किसकी किसकी, क्रैंकशाफ्ट की, कनेक्टिंग क्रैंक की और क्रॉस हेड की। तो कहाँ कहाँ पे पिन लगी होती है, एक पिन यहाँ पे लगी होती है, एक पिन यहाँ पे लगी है, एक पिन यहाँ पे लगी है, और इन पिन का हमें डायमीटर भी गिवन है। तो ये mm में है, तो आप जब यूज़ करोगे अभी तो वो किस में करोगे, मीटर में करोगे, ठीक है, सबको मीटर में यूज़ करोगे। तो फॉर्मूला क्या होता है उसका, मैंने आपको रबिंग वेलोसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट बढ़ाया था कि उसका फॉर्मूला जो निकल के आया था, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में, अगर सेम डायरेक्शन है तो माइनस आएगा, जो अर्थमेटिक सम है ओमेगा का उसमें माइनस आएगा, और जो अगर डायरेक्शन आपकी अपोजिट है तो प्लस आएगा। वो पूरा मैं आपको बता चुकी हूँ, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ आएगा। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखना एंड देन ये फोर्थ वाला पार्ट सॉल्व करना, क्लियर। तो अब हम पेज को शिफ्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। अब हमें क्या करना है, रबिंग वेलोसिटीज निकालनी है। तो देखो रबिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अर्थमेटिक सम ऑफ ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी है, और मल्टीप्लाई में क्या करना होता है, रेडियस ऑफ पिन, और ये हमें क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है डायमीटर दे रखा है क्वेश्चन में, 50 60 30 क्या है डायमीटर है, और ये सब किस में, mm में है, तो हम इसको मीटर में यूज़ करेंगे, और डायमीटर है तो रेडियस के लिए क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो वो रेडियस बन जाएगा, क्लियर। अब सबसे पहले हम निकालते हैं रबिंग वेलोसिटी, मैं यहाँ पर करके बता रही हूँ आपको, रबिंग वेलोसिटी किसके लिए निकाल रही हूँ मैं, क्रैंक शाफ्ट के लिए निकाल रही हूँ, क्रैंक शाफ्ट के लिए निकाल रही हूँ। अब जब क्रैंक शाफ्ट के लिए निकालते हैं, डायग्राम देखो, तो ओ पॉइंट तो आपका फिक्स है, ठीक है, तो उसकी तो ज़ीरो हो जाएगी, और बी पॉइंट की क्या हो जाएगी, ओ बी की जो निकल के आई थी ओमेगा वो हो जाएगी। तो यहाँ पर एक ज़ीरो है तो एक ही बचा, तो मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हो ओमेगा ओ बी। अब प्लस ज़ीरो करो या माइनस ज़ीरो करो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्लियर। तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, पिन, पिन का रेडियस, मतलब कि 0.05, इसको मैंने क्या कर दिया, mm में था तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो डायमीटर से रेडियस बन गया, क्लियर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ओमेगा ओ बी की वैल्यू कितनी है, 18.84 आपने निकाली थी, ये देखो 18. ओमेगा ओ बी की जगह लिखा हुआ है 18.84 हमने निकाली थी यहाँ पे। तो वो वैल्यू को आप रखोगे और उसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के बाद में आएगा 18.84, लिख देती हूँ एक बार, 0.05 डिवाइडेड बाई 2 करोगे और उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगा अप्रोक्स 0.471, और यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर पर सेकंड। तो ये किसके निकल के आया, आपका रबिंग वेलोसिटी निकल के आई है क्रैंक शाफ्ट की, रबिंग वेलोसिटी निकल के आई है क्रैंक शाफ्ट की, डेट इज़ दिस, क्लियर, एक निकल के आ गई। अब हमें निकालना रबिंग वेलोसिटी क्रैंक की, तो मैं उसको यहाँ पे करती हूँ, रबिंग वेलोसिटी क्रैंक की निकालनी, क्रैंक की मतलब कि क्रैंक पे जो पिन लगी, पॉइंट बी पर जो पिन लगी है ना उसकी हम बात कर रहे हैं अब। तो एक तरफ पॉइंट बी के अगर इधर देखे तो क्रैंक है, और इधर देखे तो कनेक्टिंग रोड है, इन दोनों को जो जोड़ रहा है, जो कनेक्ट कर रहा है मैकेनिज्म में, वहाँ पे पॉइंट बी पर आपकी लगी है पिन, उसको आपने बोला है क्रैंक पिन, उसकी रबिंग वेलोसिटी निकालनी है। तो यहाँ पर दो वेलोसिटी है, कनेक्टिंग रॉड की भी है ओमेगा, और एक आपकी क्रैंक की ओमेगा भी है। अब आप देखो कुछ इस तरीके से है आपका, इसको मान लो या क्रैंक, इसको मान लिया कनेक्टिंग रोड। अब ये क्रैंक इस तरीके से जाएगी तो कनेक्टिंग रोड भी क्या इसके साथ साथ इस तरह से चलेगी, डायरेक्शन देखने में लग रही कि सेम डायरेक्शन है, लेकिन क्या होगा, जो डायग्राम है ना आपका, ये वाला डायग्राम देखो आप, मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाती हूँ, ये वाला डायग्राम आप देखो, ये क्रैंक इधर मूव करेगी तो ये पॉइंट बी भी क्या होगा, इधर मूव करेगा, ऐसे चलता जाएगा, तो ये पिस्टन क्या होगा, इधर की तरफ आएगा। लेकिन उसके बाद में क्या होगा, पिस्टन जब इधर की तरफ जाएगा, इस डायरेक्शन में जब पिस्टन मूव करेगा, तो ये कनेक्टिंग रोड क्या होगी, क्रैंक तो क्लॉकवाइज चलेगी, लेकिन कनेक्टिंग रोड क्या होगी, इधर की तरफ मूव करेगी। तो इसका जो मोशन होता है, मेरा कहने का मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो मोशन होगा इन दोनों का, वो क्या होगा, अपोजिट होगा। और जब मोशन अपोजिट होता है तो जो आप क्या करते हो, जो साइन यूज़ करोगे अर्थमेटिक सम वाला जो हमने देखा था, वहाँ पे प्लस आएगा बीच में, दोनों ओमेगा के बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। तो मैं यहाँ पर फिर से आपको बता देती हूँ कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो जस्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगी, फॉर्मूला यूज़ करूँगी, फॉर्मूला में क्या है, ओमेगा ओ बी प्लस ओमेगा पी बी, एंड डिस्टेंस कौन सी आएगी, डायमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है, 60 mm, 0.06 mm में है, तो इसको मैंने मीटर में कर लिया, और डिवाइडेड बाई 2 करने से क्या बन गया, ये रेडियस बन गया।
इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी, आप इन दोनों की वैल्यू को पुट करो, ओमेगा ओ भी था आपके पास में 18.84 प्लस आपने पी भी निकाला था अभी 3.3, इसको मल्टीप्लाई करो 0.06 डिवाइडेड बाई 2 से और इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में कुछ वैल्यू आएगी अप्रॉक्स 0.664 मैंने पहले ही सॉल्व करके रखी है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मीटर पर सेकंड स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिए, आप देख लेना एक बार। तो ये आपके पास में वैल्यू निकल के आई है। ये मैंने क्या निकाला, रबिंग वेलोसिटी निकाली क्रैंक पिन की, कितनी आई है, इतनी आई है, क्लियर। अब मुझे निकालना है रबिंग वेलोसिटी ऑफ क्रॉस हेड पिन, जो क्रॉस हेड पे जो पिन लगी होती है, मतलब पॉइंट पी पर, क्लियर। तो फिर से हम वो डायग्राम की तरफ देखते हैं वापस से एक बार कि वो डायग्राम में क्या दे रखा है। अब ये डायग्राम जो है ना, यहाँ पर जो पिन लगी है, अब देखो एक तो लिंक हमारा ये है, ठीक है, और एक हमारा क्या है, पिस्टन, जो कि रेसिप्रोकेट कर रहा है इस तरीके से। तो एक हमारा स्लाइडिंग है और एक हमारा टर्निंग है। तो मैंने जब आपको रबिंग वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझाया था, तब मैंने आपको लास्ट में बताया था कि अगर एक टर्निंग है और एक स्लाइडिंग है, तो जो स्लाइडिंग की जो ओमेगा होगी, जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, डेट विल बी ज़ीरो, और क्यों होगी वो भी मैंने बताया था। तो इसकी ज़ीरो हो गई, अब सेम इसकी ज़ीरो हो गई और एक ही बची हमारे पास में, तो हम इसी का ओमेगा यूज़ करेंगे और उसको रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास में इस पिन की रबिंग वेलोसिटी आ जाएगी। तो यही काम हमें यहाँ पर करना है, शिफ्ट कर दिया है मैंने। अब इसको देखो, अब मैं क्या करूँगी, मैं फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लगा रही हूँ, एक रबिंग वेलोसिटी क्रॉस हेड, ठीक है, ओमेगा पी बी, एक ज़ीरो हो गया तो अब कुछ है ही नहीं, मल्टीप्लाई में डायमीटर कितना दे रखा है 30 mm, तो मतलब 0.03 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया तो रेडियस बन गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद में ओमेगा पी बी की वैल्यू कितनी है, 3.3, तो 3.3 रखा, सेम 0.03 डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगा 0.049 यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास में आया है। तो ये रबिंग वेलोसिटी किसकी हो गई, क्रॉस हेड की हो गई, जो कि इतनी आई है। तो ये कंप्लीट रबिंग वेलोसिटी वाला क्या है, एक पूरा 3 आंसर आए इसमें, जो कि एक आंसर के बराबर है, जो कि पार्ट 4 में हमसे पूछा गया है, क्लियर। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको चारों पार्ट एक साथ देंगे, हो सकता है कि क्वेश्चन ये दे रखा हो एंड सिर्फ आपसे रबिंग वेलोसिटी पूछी हो, ये सब नहीं पूछा हो, या सिर्फ आपसे ये और ये पूछा है, तो कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी हटा सकते हैं, मार्क्स के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन की साइज़ को छोटा बड़ा कर देंगे, तो उससे आपको बोदर नहीं होना है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आपको मैं बोल दूं कि यहाँ पे कनेक्टिंग रोड पे एक और पॉइंट कोई है मेरा कनेक्टिंग रोड पे, कि ई पॉइंट है, एफ पॉइंट है, जी पॉइंट है, कुछ भी पॉइंट बोल दिया और डायमेंशन बता दी कि इतनी डायमेंशन पे आप निकालो, तो आप निकाल सकते हो। तो थोड़ा ब्रेन लगाना अपना, कॉन्सेप्ट अपना समझना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट और ये न्यूमेरिकल पूरा समझ में आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर देना, अगर आपकी हेल्प हुई है तो उनकी भी हेल्प कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। Thank you so much.